इतिहास में जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष आता है, वहीं इतिहास में भीमा कोरे गांव का संघर्ष भी पढ़ा जाता है। जहाँ आजादी की लड़ाई आती है वहां चमार रेजिमेंट का भी नाम आता है। अब से पहले वो ताड़न के अधिकारी थे, आज की नई व्यवस्था में वो शिक्षा के अधिकारी हो गए। पहले जय श्री राम के नाम पर हत्या नहीं होती थी। ये सिर्फ शासन का प्रभाव है कि आज जय श्री राम के नाम पर हत्या हो रही है। आज लगातार बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, बड़े बड़े स्टॉल लगाए जाते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन किसी गरीब बेटी की शादी के लिए अनुदान नहीं दे रहे। क्योंकि ये इतिहास की बात है, अगर आज भारत की ऐतिहासिक जमीन पर ये काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कल इतिहास में लिखा जाएगा। और अगर आप कल इतिहास में अपने बच्चे को ये बताकर ना जा सको कि एक बंदे जी मेरठ की सरजमी पर आए थे और उन्होंने इतिहास को दोबारा जिंदा करने का काम किया, तो क्या फायदा है मेरा? क्या नाम है उनका? जी बंदे सुमित रतन जी, जो भी यहाँ पर संचालन भी कर रहे थे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ निमानी टीम की ओर से, अपनी पूरी टीम की ओर से, कि महत्वपूर्ण कार्य जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा चलाया गया था वो अधूरा था, उसको आप धीरे धीरे करके पूरा कर रहे हैं। यहाँ तमाम वक्ता है, बहुत सारे नाम है जिनको हम अपना गार्जियन मानते हैं। बाबा साहब के परपौत्र माननीय अम्बेडकर साहब और मुख्य उपासक हर मोदी जी, मैं आपको नमन वंदन करते हुए, वे मंत्र मंत्रा सिंह सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए, वे तमाम जितने साथी आए हैं उन सभी को नमन वंदन करते हुए कुछ बातों पर प्रकाश डालूंगा। देखिए मैं कल का बच्चा हूँ, मेरी टीम भी ऐसी है, युवाओं की फौज है, पूरी फौज है, और सीख रही है कुछ इतिहास से पढ़कर, कुछ आप लोगों को सुनकर और जानकर, कुछ ऐसी ऐसी बहुत संगतियों से जो यहाँ पर हो रही है। इतिहास में जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष आता है वहीं इतिहास में भीमा कोरे गांव का संघर्ष भी पढ़ा जाता है। जहाँ आजादी की लड़ाई आती है वहां चमार रेजिमेंट का भी नाम आता है। जहाँ तथागत बुद्ध की करुणा की बात आती है, जहाँ रैदास नानक कबीर की बात आती है, वहां शहीद आलम भगत सिंह और उधम सिंह की भी बात आती है। मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ कि करुणा होनी चाहिए, मैं सहमत हूँ कि शांति भी होनी चाहिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया जो सम्मान स्वाभिमान मिल गया है, उस सम्मान स्वाभिमान को लेने के बावजूद भी वो अपमान का जीवन कैसे दिया जाए? जैसे उड़ीसा में आज भी बेटियों के लिए खुल जाते हैं, वो सम्मान स्वाभिमान का जीवन कैसे दिया जाए? वो लोग जो धम्म का काम करने वाले लोगों को आज भी दिन दहाड़े मारते हैं, सीतापुर जिला उदाहरण है कि बहुत कथा होते हुए लोगों को कुछ ब्राह्मणों ने आकर के पूरे गाँव के लोगों को पीटा। फोन आते भैया हमें पीटा जा रहा है, किस लिए? कि तथागत बुद्ध का काम हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस देश के महामानव से भी, जो भारत में सबसे बड़ा संघ चलाते हैं, जिनका नाम मोहन भागवत है। मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा, जब ढोल गवार सुध पशुनारी इस पर काम चल रहा था, अब से पहले वो ताड़न के अधिकारी थे, आज की नई व्यवस्था में वो शिक्षा के अधिकारी हो गए। तो मैंने सुना उनका स्टेटमेंट कि शायद शास्त्रों में कुछ लोगों ने मिस्टेक कर दी, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। मुझे लगा कि कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति है, तो मैं तो निवेदन करता हूं उनसे हाथ जोड़ करके, जब इतिहास की इतनी जानकारी है तो ये क्यों नहीं बताते ये सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये क्यों नहीं बताते ये तथागत बुद्ध का देश है? एक बार अपने मुंह से कह दो, वहां बैठकर कह दो कि ये देश भारत देश बुद्ध का देश है। मैं कहता हूं जय श्री राम के नाम पर होने वाले झगड़े खत्म हो जाएंगे, धर्म के नाम पर होने वाले झगड़े खत्म हो जाएंगे। अगर वो लोग कह दें, वो नहीं कहते, वो विदेश जाकर कहते हैं। और हाँ, भीम आर्मी के लोग सब कहते हैं, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है। ये तय है स्थिति परिस्थिति बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। एक समय था जब हम बोल नहीं पाते थे, आज समय है हम आंख में आंख दिखाकर बात करते हैं, आंख से आंख लड़ाकर बात करते हैं। ये समय तैयार हो रहा है आने वाले राजपाट की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। बिल्कुल मैं कहता हूं मतलब मंत्री लोगों को भी, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं सीख रहा हूं, मेरी पूरी टीम सीख रही है, मंच पर मंचा जिन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि धर्म की व्यवस्था अगर पूर्ण रूप से बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था को भी आप सब लोगों को मिलकर आगे जोर अग्रसर करना होगा। और अगर राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था अग्रसर ना हुई तो समझ लीजिए, अभी 20-50 साल का इतिहास देखिए। अभी माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि पहले कावड़ के मेले नहीं लगते थे साहब, बिल्कुल नहीं लगते,
पहले जय श्री राम के नाम पर हत्या नहीं होती थी। ये सिर्फ शासन का प्रभाव है कि आज जय श्री राम के नाम पर हत्या हो रही है। आज लगातार बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, बड़े बड़े स्टॉल लगाए जाते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन किसी गरीब बेटी की शादी के लिए अनुदान नहीं दिया जाता। ये व्यवस्था की तो बात है। और हम जो सीख रहे हैं इतिहास से, जो देखा सीखा, तो ये तय है अगर इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सम्राट अशोक बनना पड़ा, बुद्ध धम से पहले वाला या धम से बाद वाला, तो बनने में बिल्कुल कोताही नहीं करेंगे, पूरी मजबूती के साथ बनने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों ने मुझे सुना, आभार। चंद्रयान से अपनी बात खत्म करूंगा। तथागत बुद्ध से मिली बुद्धि और सूर्य से मिला ज्ञान। गौर से सुनिएगा, लाइनें तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सुनेंगे तो शायद कुछ समझ आ जाए कि बुद्ध से मिली बुद्धि, फूले से मिला ज्ञान, छत्रपति साहू जी महाराज से मिला रक्षण, और बाबा साहब अंबेडकर से मिला मान सम्मान स्वाभिमान और संविधान। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय भारत।